हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइस बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में जब हमें देखने को मिला कि विलगेक्स की जो आर्मी थी, जो फौज थी, वो लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे थे बेन के एलियंस में। तो गाइस, इसी से एक क्वेश्चन उठ रहा था कि वहाँ पर जब विलगेक्स के जो फौज है, जिनका जो DNA था वो बिल्कुल ब्लैंक था, तो आखिर वो जब एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे तो सबके पास ओमनीट्रिक्स का सिंबल क्यों आ रहा था, यानी कि सबके पास एक एक ओमनीट्रिक्स क्यों था। और अगर कोई बायोट ओमनीट्रिक्स को गलती से भी टच कर लेता तो क्या सभी के सभी बायोट्स जो है वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। तो गाइस, वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हमें बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला कि विलगेक्स ने ले लिया था बेन से ओमनीट्रिक्स, और ओमनीट्रिक्स लेने के बाद विलगेक्स ने अपने फौज को ट्रांसफॉर्म कराया था। हमें काफ़ी सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखे विलगेक्स के फौज, लाइक ह्यूमंगस और डायमंड हेड। इसके अलावा हमें सुवम फायर में भी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे थे। पर गाइस, विलगेक्स के जो बायोट्स थे वो जब ट्रांसफॉर्म हो रहे थे एलियंस में तो सबके पास एक एक ओमनीट्रिक्स का सिंबल आ रहा था। तो क्या वो ओमनीट्रिक्स रियल था? क्या गाइस वो लोग अपने से टच करके एलियंस बन सकते थे? तो गाइस, इसका जो आंसर है वो ये है कि जितने भी ओमनीट्रिक्स आपको देखने को मिले हैं बायोट्स के पास, वो सब एक रियल ओमनीट्रिक्स नहीं है। आप लोगों ने सही सुना गाइस, रियल जो ओमनीट्रिक्स था वो विलगेक्स के पास था। और गाइस, विलगेक्स ने अपने फौज का जो ब्लैंक DNA है उसको लिंक कर दिया था ओमनीट्रिक्स से। तो ओमनीट्रिक्स क्या कर रही थी, जब ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसके फौज, तो ओमनीट्रिक्स का सिंबल वो दिखा रही थी, पर ओरिजिनल में वो कोई ओमनीट्रिक्स नहीं था, वो बस एक रेप्लिका आप लोग बोल सकते हो, एक नकली तरह का सिर्फ छाप दिखाया जा रहा था। क्योंकि गाइस, वहां पर ओमनीट्रिक्स ये करती है कि जब भी ओमनीट्रिक्स को कोई यूज करता है तो ओमनीट्रिक्स का सिंबल आता है उसके ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने बेन को ही कई बार देखा होगा कि बेन जब एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो गाइस उसके चेस्ट में या फिर हैंड में कहीं ना कहीं ओमनीट्रिक्स का सिंबल आता ही है। चाहे आप लोग किसी भी सीरीज की बात कर लो, आपको ओमनीवर्स में भी देखने को मिला है कि ओमनीट्रिक्स का सिंबल आता है। पर यहां पर जब विलगेक्स के फौज ट्रांसफॉर्म हो रहे थे तो वो जो ओमनीट्रिक्स थी वो सिर्फ एक रेप्लिका थी, एक छाप था, कोई भी वो ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स नहीं था। और कोई बायोट अगर गलती से भी टच कर लेता तो वो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होते जब तक विलगेक्स नहीं चाहता, क्योंकि विलगेक्स के पास ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स था। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा यूनिक था। इस तरह से गाइस, अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चंस का जवाब देने में। अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना ना भूले। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।